नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्त? आज भी राजस्थान लाइब्रेरियन की जो सीरीज है स्टार्ट है, हिंदी में ही है, बाइलिंगुअल नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंट बुक से इकट्ठा मटेरियल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो जैसा मटेरियल जहाँ से मिलता है ले लेता हूँ। क्वेश्चंस में लास्ट तक बने रहें वीडियो में, जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपका कंसेप्ट भी कई चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और तैयारी भी अच्छे से नहीं होगी। और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। ब्रेन चैम्बर की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ज्ञान जगत से है। ब्रेन चैम्बर की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो वह एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रदान की गई थी। ज्ञान जगत किसका हिस्सा है? तो सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी, इन सभी का, उपरोक्त सभी का जो है हिस्सा है हमारा ज्ञान जगत। नेक्स्ट है, इनमें से किस पुस्तक में डॉक्टर रंगनाथन ने ज्ञान जगत की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए थे? तो प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में दिया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार ज्ञान में क्या शामिल होता है? तो विचारों का ब्रह्मांड शामिल होता है ज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान जगत गतिशील प्रवृत्ति होती है, ये कथन सत्य है? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा ज्ञान जगत के विकास को माना गया है वट वृक्ष के विकास की तरह है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान से तात्पर्य है विचारों का संगठित स्वरूप। विषय जगत की संरचना के प्रकार हैं द्विविभाजन, दस विभाजन, बहु विभाजन, मतलब तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बाइनरी डिजिट क्लासिफिकेशन किस नाम से जाना जाता है? तो द्विविभाजन या बाइनरी, यानी कि दो में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री ऑफ पोरफिरी किस ने विभाजन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो बेंथम का। और स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित है? तो हमारा यह है द्विविभाजन से संबंधित है। क्या स्केल ऑफ बीइंग? इनमें से दस विभाजन पद्धति का सबसे बढ़िया उदाहरण है? तो सबसे बढ़िया उदाहरण डेकाटोमी है, का मतलब दस विभाजन है, डाइकाटोमी का मतलब दो विभाजन। और दस मेन क्लास में कौन कौन, हमारी डीडीसी, और डीडीसी के आधार पर बनी हुई यूडीसी। यूडीसी का कब पब्लिकेशन हुआ था? 1905, या डीडीसी का 1876। इनमें से बहु विभाजन पद्धति पोलोकोमी का उदाहरण कौन सा है? तो सीसी, एलसीसी और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ज्ञान जगत की विशेषता होती है तो गतिशील होता है, बहुआयामी और अंतहीन विकास होता है ज्ञान जगत का, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। विशेष जगत बहुआयामी होता है, ये कथन क्या है? यह कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ज्ञान जगत के बारे में? तो विषय जगत का निरंतर विकास होता है। विषय जगत क्या है? ज्ञान जगत का एक भाग है। निम्नलिखित में से ज्ञान जगत की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सीमित विकास इसकी विशेषता नहीं है। बाकी नवीन दृष्टिकोण का विकास, विघटन और सम्मिलन तथा अंतहीन विकास ज्ञान जगत में होता है। निम्नलिखित में से ज्ञान जगत की विशेषता है, देखिए पहले पूछा था नहीं है और यहाँ पूछा है, तो गतिशील प्रवृत्ति ज्ञान जगत की विशेषता होती है। कितने विषय कितने प्रकार के होते हैं? तो विषय तीन प्रकार के होते हैं, मौलिक, संयुक्त और जटिल विषय। ऑप्शन बी ठीक है। बायोलॉजी किस प्रकार का विषय है? तो बायोलॉजी हमारा मौलिक विषय है। एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट में मौलिक विषय क्या है? तो एग्रीकल्चर मूल विषय है।
एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट किस तरह के विषय का उदाहरण है? तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट्स मिलकर के मतलब बना है। बायोलॉजी किस प्रकार का विषय है? तो बायोलॉजी भी हमारा बेसिक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार का उदाहरण है? तो जियोपॉलिटिक्स जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जटिल विषय यानी कि। बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय का उदाहरण? तो बायोकेमिस्ट्री हमारे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री भी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री को बना करके बनाया गया है। अरस्तु का ज्ञान जगत का वर्गीकरण है, तो द्विभाजन ने दो भागों में अरस्तु ने ज्ञान जगत को बांटा है। डाइकाटोमी का अर्थ है, जैसे मैंने बताया था ऊपर, तो दो में विभाजन करना या द्वि विभाजन डाइकाटोमी का अर्थ है, और डेकाटोमी का अर्थ है तो दस में विभाजन, डेकाटोमी का अर्थ होता है। इसका आंसर हमारा बी ठीक है। नेक्स्ट है, पॉलिकोटोमी का अर्थ है बहुविभाजन, सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिकोटोमी विभाजन का सर्वप्रथम किसने अपने वर्गीकरण पद्धति में प्रयोग किया था? तो सी ए कट्टर ने किया था, और सी ए कट्टर को हम किस नाम से रूप में जानते हैं? दोबारा दूसरा हम जानते हैं सी ए कट्टर को, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के लिए फेमस हैं सी ए कट्टर। डेकाटोमी विभाजन का प्रयोग अपनी वर्गीकरण पद्धति में किसने शुरू किया था? तो मेलविल डिवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन सी सी में ज्ञान जगत के रेखांकन में मुख्य वर्ग एम और एन के बीच क्या है? डेल्टा है। किसका मेन क्लास है? क्रिटिसिज्म, वो सॉरी मिस्टिसिज्म। कोलन क्लासिफिकेशन में ह्यूमैनिटीज को स्थान दिया गया एन टू एस जो मेन क्लास है, सी 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 में साइंस को स्थान दिया गया ए से एम तक। कोलन क्लासिफिकेशन सी सी में सोशल साइंस को स्थान दिया गया है, तो वो दिया गया ए से जेड, सॉरी टी से जेड तक। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन द्वारा सर्वप्रथम विषय निर्माण की पद्धति का विकास प्रस्तुत किया गया था? तो 1950 में किया गया था। विषय निर्माण पद्धति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रस्तुत की थी। और कोई सी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके क्लियर कर सकते हैं। विषय निर्माण पद्धति कितने प्रकार डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा 1950 में प्रस्तुत किए गए थे? तो चार प्रकार प्रस्तुत किए गए थे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 1950 में चार विषयों के निर्माण विधियों का वर्णन किया गया था, लोज असेंबलेज, लेमिनेशन, डिसेक्शन और डेनुडेशन। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दो विषय निर्माण विधियों को 1960 ईस्वी में जोड़ा गया था, वह विधि थी डिस्टिलेशन फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विषय निर्माण विधियों पर डॉक्टर और एस आर रंगनाथन के द्वारा नहीं किया गया था? तो क्लस्टर का नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, ज्ञान जगत के वर्गीकरण और विषय निर्माण के ज्ञान के अभाव में इसमें क्या संभव नहीं है? तो सटीक पुस्तकालय वर्गीकरण संभव नहीं है। विषय निर्माण विषयों के बीच कितने तरह के संबंध होते हैं? तो छह तरह के संबंध होते हैं, ऑप्शन बी ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन छठे संस्करण में दशा संबंध का प्रावधान है, पांच दशा संबंधों का उसमें प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी 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 यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के उपकरण सूचक टूल में दशा संबंधों का प्रावधान शुरू किया गया था सातवें संस्करण में, सेवंथ एडिशन 1984। लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो ये लैटिन भाषा के शब्द से हुई है।
लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई थी? लेमिनी से। विषय निर्माण पद्धति में लेमिनेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो यह दो प्रकार होते हैं लेमिनेशन के। अगला क्वेश्चन है, विषय निर्माण पद्धति में विखंडन या फ्यूजन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डिसेक्शन और दूसरा होता है लेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय निर्माण पद्धति जिसमें किसी विषय के अलग अलग भागों में बांटने से नए विषयों का निर्माण होता है कहलाता है विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विषयों आपस में मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति कहलाती है फ्यूजन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि के द्वारा मैनेजमेंट विषय का निर्माण होता है? तो डिस्टिलेशन के द्वारा विषय का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण की विधि के द्वारा रिसर्च मेथडोलॉजी विषय का निर्माण होता है? तो यह होता है विखंडन या फ्यूजन के द्वारा होता है। ऐसी विषय निर्माण पद्धति जिसमें कई विषय आपस में जुड़े होते हैं और सब की प्रकृति स्वतंत्र होती है, वह भी कभी भी आपस में अलग हो सकते हैं, इस प्रकार के विषय निर्माण की पद्धति कहलाती है समूहन या क्लस्टरिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोलॉजी किस प्रकार के विषय निर्माण की पद्धति का उदाहरण है? समूहन का उदाहरण है। ओशियनोग्राफी किस प्रकार के विषय निर्माण की पद्धति का उदाहरण है? तो यह समूहन का है। ये भी सब बहुत सारे विषय मतलब समूह के रूप में इकट्ठे होते हैं। तो जब कई मुख्य विषय आपस में मिलकर एक वृहद स्वरूप वाले विषय का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के विषय निर्माण की पद्धति कहलाती है संचयन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल साइंस किस प्रकार के विषय के निर्माण की पद्धति का उदाहरण? तो यह संचयन। बहुत सारे विषय संचय हो रखे हैं। नेचुरल साइंस किस प्रकार के विषय की पद्धति का उदाहरण है? तो ये हमारा एग्लोमरेशन या संचयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमैनिटी किस प्रकार के विषय की पद्धति का उदाहरण है? तो ये भी संचयन है। मानचित्रण या मैपिंग निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो स्थानों के मध्य सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान जगत का वर्गीकरण पद्धति में मानचित्रण मैपिंग निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो विषयों के मध्य सापेक्ष स्थिति दर्शाती है। DDC में ज्ञान जगत का रेखांकन किस प्रकार किया गया? तो 10 विभाजन पद्धति के आधार पर किया गया है। DDC में ज्ञान जगत वर्गीकरण की योजना निम्नलिखित में से किसके दर्शन पर आधारित है? तो फ्रांसिस बेकन के दर्शन पर आधारित है। DDC में संपूर्ण विज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। DDC में मुख्य वर्गों मेन क्लास को पुनः कितने सब डिवीजन में बांटा गया है? तो यह 100 सब डिवीजन में, पहले 10 फिर 10 को 100, इस तरह से विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC में सब डिवीजन को पुनः कितने सेक्शन में बांटा गया है? तो फिर इसको पहले 10 फिर 100 फिर 1000 में बांट दिया गया है। DDC में ज्ञान जगत की संरचना, DDC में ज्ञान जगत की जो संरचना है उसे लोकप्रिय आयाम या शुरुआत प्रदान करने के लिए क्या किया गया है? 10वें विभाजन किया गया है डेकाटोमी में। DDC में 000 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये जनरेलिया के लिए किया गया है। DDC में 100 लोग 100 बोलते हैं वो गलत है, अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया? तो ये फिलोसॉफी के लिए किया गया है। DDC में
2002 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया? तो वह धर्म के लिए किया गया है। 300 सोशल साइंस के लिए होगा। हाँ, DDC में 300 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया? तो यह सोशल साइंस के लिए निर्धारित किया गया है। DDC में 4000 अंकन किस पद्धति के लिए किया गया? तो लैंग्वेज या भाषा के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। और DDC में ही 500 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है? तो प्योर साइंस के लिए निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, DDC में 600 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है? तो टेक्नोलॉजी के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC में 800 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये लिटरेचर के लिए किया गया है। DDC में 900 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है? तो यह हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC में बायोग्राफी को किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए किया गया है। DDC में सामान्य बिब्लियोग्राफी और इंसाइक्लोपीडिया को किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया? तो जनरेलिया के अंतर्गत रखा गया है। DDC में लाइब्रेरी साइंस को किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया? तो जनरेलिया 000 में रखा गया है। और कोलन क्लासिफिकेशन में 020 लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास है। DDC में सामान्य बिब्लियोग्राफी के लिए अंकन क्या है? 010। DDC में ही लाइब्रेरी साइंस विषय का क्या वह है? तो DDC में है हमारा 0, अभी बताया था मैंने आपको, 020 है DDC में मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस, और 000 जनरेलिया के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट है, DDC में इंसाइक्लोपीडिया का क्या नंबर है? 030 इंसाइक्लोपीडिया को दिया गया है। और DDC में लॉजिक के लिए क्या अंकन है? तो 160 इसका अंकन है DDC में। DDC में साइकोलॉजी की मेन क्लास है, क्या अंकन है? तो 150 है। DDC में बाइबल के लिए क्या दिया गया है? 20, मैंने बताया था 200 के अंतर्गत है, तो फिर उसमें अलग अलग के लिए डिवीजन है, तो DDC में बाइबल के लिए 220 है। DDC में एनओ इकोनॉमिक्स के लिए 330, सोशल साइंस 300 है, और उसमें 330 हमारा इकोनॉमिक्स है, 370 एजुकेशन है, और ये आगे नीचे यही बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, कई एग्जाम में आ चुका है। तो DDC में एजुकेशन के लिए क्या है? 370 है, और लॉ का हमें याद नहीं है, तो लॉ का देखते हैं। DDC में लॉ के लिए अंकन है, लॉ के लिए अंकन है 340। DDC में राजनीति विज्ञान के लिए क्या है? ये भी बहुत एग्जाम में आ चुका है, तो इसके लिए है 320 फॉर पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC में स्टैटिक्स किसके लिए अंकन है? 310 है। DDC में लिंग्विस्टिक्स के लिए अंकन क्या है? तो ये 400 में जाएगा, तो इसका है 410। ठीक है, ऑप्शन ठीक सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC में एस्ट्रोनॉमी के लिए अंकन क्या है? तो 540 है। मेडिकल साइंस का 550 है ना। DDC में मैथमेटिक्स के लिए क्या अंकन है? तो स्टैटिक्स वाला ही है, 510। DDC में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या अंकन है? तो यह है 420 है, और 400 लिंग्विस्टिक्स के लिए मेन क्लास है, और 420 हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। UDC सॉरी DDC में जूलॉजी के लिए अंकन है 590, और उसमें CC में है हमारा जेड। DDC में एग्रीकल्चर के लिए अंकन है 630, और कॉलन में क्या है? एग्रीकल्चर के लिए जे है। DDC में इंजीनियरिंग के लिए अंकन है 620, और कॉलन में क्या होता है? जे
डी होता है इंजीनियरिंग के लिए। DDC की साहित्य मुख्य वर्ग ओ के लिए अंकन है। DDC में मुख्य वर्ग हिंदी के लिए है 891.43 और CC में है ओ साहित्य। तो आज की वीडियो के 100 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स में बताइए, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।